सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट क्लास, ठीक है. सो व्हाट वील बी स्टार्टिंग विद इज द बेसिक व्हाट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज, द मार्क्स कवरेज एंड द सिलेबस दैट वी हैव टू कवर. ओके, नाउ फर्स्ट राइट डाउन द सिलेबस. आईटी एसएम एक साथ आता है ना, आईटी आएगा 50 का, एसएम आएगा 50 का, ठीक है. अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलेबस रिवाइज्ड है नवंबर 2014 या मई 2014 से ही हम लोग बोलेंगे नया सिलेबस स्टार्ट हो गया नवंबर 2014, तो आप लोग का है 2015 अटेम्प्ट. अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है 50 मार्क्स का, इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द स्टडी मटीरियल प्रोवाइडेड बाय आईसीएआई आपका 5 चैप्टर्स दिया हुआ है इन ऑल, टोटल कंपैक्ट में 5 चैप्टर है. पहले ज़्यादा होता था, मोटा बुक था, अब क्या हो गया कि वो बेसिक्स जो अभी हम लोग सबको यहाँ पे मालूम रहता है वो सब कुछ ऑलरेडी उसमें हटा दिया गया, क्योंकि वो पता है कि मालूम है. अच्छा, आईटी में क्या है, तो हम लोग चैप्टर वाइज कुछ कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है. आईटी का सिलेबस ह्यूज है 50 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है, बहुत ह्यूज है, बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन उसमें काफ़ी पोर्शंस हम लोग छोड़ सकते हैं. तो लिटरली हम लोग जब पूरा स्टडी करेंगे तो हम लोग को मोटा मोटी 65% ऑफ द टोटल बुक निकलेगा जो पढ़ना है, 35% वेस्ट दिया हुआ है, जस्ट जनरल नॉलेज बांट रहा है. तो आईटी में हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग का क्या होता है कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड आईटी. अच्छा, तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड आईटी माने बीपीएम, बीपीएम एक नया कंसेप्ट है, ठीक है, नया रादर पहले भी था लेकिन पहले उतना रिकॉग्नाइज नहीं था, जैसे एमबीए डिग्री पहले उतना रिकॉग्नाइज था, अब आ रहा है. एमबीए होता क्या है, बिजनेस मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेटर, वैसे ही यहाँ पे बीपीएम का रोल है एक बिजनेस में आईटी का इंटीग्रेशन एंड उसका सक्सेसफुल रनिंग, ठीक है, दैट इज ऑल बीपीएम इज ऑल अबाउट. सो हम लोग को यहां पे क्या क्या मिलेगा, बीपीएम, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ बीपीएम, कंसेप्ट ऑफ बीपीए, ये सब आप लोग लिख लो टॉपिक्स, यही सब कवर होगा, ठीक है. एक एक कर करके टॉपिक पकड़ेंगे और उसको डिटेल में करके खत्म कर देंगे. अच्छा, बीपीएम में आ जाते हैं हम लोग का इम्प्लीमेंटेशन, यूजेस, इससे ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बीपीए ज्यादा डिटेल में नहीं है, डेफिनेशन पढ़ के छोड़ देना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए. ये रहा आपका चैप्टर वन का इन ब्रीफ द टॉपिक जो आपको कवर करना है, ठीक है. ज्यादा डिटेल में चैप्टर है नहीं, जो भी डिटेल में दिया उतना डिटेल में पढ़ना है ही नहीं, ठीक है. अच्छा, ये पूरा चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को दो चीज मिलेगा, फ्लो चार्ट और डिसीजन टेबल, ठीक है. यही दो टॉपिक प्रैक्टिकल आएगा आपका आईटी एग्जाम में, ओनली दीज टू टॉपिक्स आर प्रैक्टिकल, बाकी सब कुछ थ्योरी है. पहले नंबर सिस्टम होता था,
बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन सब सब हटा दिया, एवरीथिंग गॉन, बाइनरी इज नॉट देयर। मैंने इसका बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि बुक में दिया नहीं है तो लोग पढ़ के चला जाता है, आ गया तो लेकिन नहीं आएगा। अच्छा, ये रहा चैप्टर वन का, प्रैक्टिकल पोर्शन विल बी कवर्ड बाय सर अमरेश जैन, ठीक है, बाकी थ्योरी वाला लेक्चर बोर करने वाला काम मेरा है। तो ये रहा चैप्टर वन का, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग चैप्टर टू में, आईटी फंडामेंटल्स, यही है चैप्टर का नाम, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड आईटी फंडामेंटल्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल रेदर बात कर सकते हैं क्योंकि ये सब जनरल जो कंप्यूटर्स है उसको लेके पूरा आइडिया दिया हुआ है। हमको पता है यहाँ पे सब बहुत बोरिंग लगेगा कंप्यूटर को लेके, लेकिन जो कंप्यूटर का जो कंसेप्ट है, अगर आज का वर्ल्ड में अगर आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अब तो सीए का लाइन वैसा नहीं रहा, पुराना जमाना मैनुअल वर्क, सब ऑडिटिंग है, ई फाइलिंग है, ये वो, तो उसमें क्या होता है आजकल बच्चा बच्चा जानता है तो पुराना पुराना सीए लोग नहीं जानता है, ये प्रॉब्लम होता है। तो जब तक ये कंप्यूटर्स का अच्छा ग्रास्प नहीं होगा वो सब काम नहीं हो पाएगा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर टू में हम लोग देखेंगे, सबसे पहला आ जाएगा हम लोग को टर्म्स मिलेगा, पहला आएगा डेटा, फिर आएगा इंफॉर्मेशन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, ये चीज में से एक आध मार्क्स कंफर्म रहता है, कंप्यूटर टाइप्स बेसिक्स, ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जस्ट डेफिनेशंस रहेगा ये सब चीज का। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, फिर हम लोग का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा नेटवर्क, ये बहुत ब्रीफ में आएगा क्योंकि इसके बाद वाला चैप्टर में नेटवर्किंग डिटेल्स में है। कंप्यूटर में क्या है, पांचों चैप्टर आप देखोगे एक साथ चल रहा है हमेशा, ठीक है, तो आपको एक डेफिनेशन दूसरा चैप्टर में मिलेगा लेकिन दूसरा चैप्टर में उसको डिटेल में समझाया होगा। तो है कि एक मैप है पूरा कंप्यूटर को, अगर आप देखो पूरा बाहर से लेके डेटा आउटपुट तक, डेटा इनपुट से आउटपुट तक जो भी प्रोसेसिंग है बहुत ढेर सारा चीज को लिंक करेगा, एवरीथिंग इज लिंक। तो उसमें क्या आएगा, काफी ढेर सारा जो भी चैप्टर है सब में लिंक है, तो आप ऐसा सोचोगे कि एग्जाम में हम चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ के जाएंगे मेरा काम हो जाएगा, नहीं होगा, उल्टा आप फंस जाओगे। तो इससे अच्छा सब चैप्टर को अच्छे से एक बार रीडिंग दो, समझ लो। अच्छा, अब इसमें और एक क्या है कि जो आदमी समझ के जाके लिखेगा उसको मार्क्स मिलेगा, जो आदमी नहीं समझ के जाके लिखेगा उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। नेटवर्क, स्टोरेज या मेमोरी भी लिख सकते हैं, DBMS, इंपॉर्टेंट येट बोरिंग, यूज ऑफ IT, कंप्यूटिंग मॉडल्स, ये टोटली न्यू थिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइफ साइकिल, लास्ट में आता है रीसेंट टेक्नोलॉजीज, और एक इसमें आप ऐड कर सकते हो कंप्यूटर आर्किटेक्चर,
कंप्यूटर आर्किटेक्चर, अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में काफी डिटेल्ड है, ठीक है, वो जब पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे कि कंप्यूटर क्या, जो चिप्स डिजाइन होता है कंप्यूटर का वो उसका आर्किटेक्चर अलग अलग टाइप का होता है, वो सब हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये सब हम लोग का रहा चैप्टर टू का, ठीक है। चैप्टर टू में मेन हम लोग का इंपॉर्टेंट होता है अभी के हिसाब से डीबीएमएस, कंप्यूटिंग मॉडल्स, आईएसएलसी, और इस पोर्शन में से एक दो मार्क एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। एक डिवाइस दे दिया, बोलेगा उसके बारे में लिखो। तो ये सब क्या है, हेडिंग है, इसके अंडर में बहुत कुछ आता है, ठीक है। सब हेडिंग लिखेंगे तो फिर पूरा इंक खत्म हो जाएगा, जितना भी पेन है यहां पे। अभी देख के लगेगा छोटा है सिलेबस, समझ में आ जाएगा, अच्छा बात है। आईटी का और एक कंसेप्ट है, सब सब्जेक्ट पहले पढ़ लेंगे उसके बाद लास्ट में आईटी पढ़ेंगे, ये मैंने एकदम ट्रेडिशन फॉलो हुआ है शुरू से अभी तक, जब से आईटी आया है। ये कंसेप्ट क्या है, थोड़ा गड़बड़ है, अपकमिंग बैचेस के लिए ये भले ही ठीक है, अभी का बैचेस के लिए नहीं है। तो क्यों ऐसा होता है, आप देखो, 2 साल पहले का बैच को इतना समझ में नहीं आता था, अभी का बैच को फिर भी समझ में आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग चैप्टर 3 में, टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। तो पहला हम लोग का आ जाएगा टेलीकम्युनिकेशन, फिर आ जाएगा नेटवर्क। इसमें हम लोग को और भी बहुत कुछ मिलेगा, जैसे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्किंग, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आएगा इसमें सही आएगा, ऐसा ही सोच के चलिए। नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज, ट्रांसमिशन टेक्निक्स, ट्रांसमिशन मोड्स, प्रोटोकॉल्स, टीसीपी आईपी, ओएसआई मॉडल, नेटवर्क रिस्क्स, सिक्योरिटी कंट्रोल, क्या है हर एक एक जो टर्म लिख रहे हैं उसका एक अलग अलग डेफिनेशन है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा, नेटवर्क वर्सेस इंटरनेट, वर्सेस जब लिखते हैं माने डिफरेंस, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, लास्ट में आ जाएगा ई कॉमर्स, जो कॉमर्स पीपल के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ईएफटी से मार्क्स आता ही है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? गुड, हम परेशान हो गए और एनी टाइम मनी सुन सुन, ये हो गया। तो ये हम लोग का क्या होगा,
चैप्टर थ्री का टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ये चैप्टर अच्छे से समझना जरूरी है, नॉट ओनली फॉर सिलेबस पर्पस बट ऑल्सो फॉर रियल लाइफ। सब काम इंटरनेट पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या 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 होता है। अगर आप सोचोगे आंख बंद करके सुन के जाएंगे तो फिर छोड़ दो, अगर ऐसा है कि हाँ थोड़ा इंटरेस्ट है समझना है तो पूरा चीज समझ में आ जाएगा, एकदम ईजी है। ये है प्रॉब्लम अराइज कहाँ होता है ये सब में, ये तीन नाम में मालूम आपको सब कुछ रहेगा, ए टू जेड। आप पूरा पढ़ के जाओगे, आप पढ़ के भी जाओ, सब कुछ करके जाओ, आपको सब मालूम रहेगा। आपसे पूछ लिया ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज क्या, आप लिख के आ गए ट्रांसमिशन टेक्निक और खुश हो गए। ये सिर्फ टर्म का डिफरेंस होता है, ठीक है। ये टर्म्स को डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। अब जैसे नेटवर्क है, नेटवर्किंग है, तो बहुत लोग लिख के आएगा नेटवर्क कर रहे हैं उसको नेटवर्किंग बोलेंगे, वो सब कंसेप्ट अब काम नहीं करता, क्योंकि जो चेक कर रहा है वो बोका नहीं बैठा है, उसको सब मालूम है। आर्किटेक्चर टोपोलॉजी सबसे इजी चीज में लोग कंफ्यूज करके आता है, मतलब ऐसा बहुत चीज है, ठीक है। और हाँ, ये नेटवर्क मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 5 topics कवर होगा, 5 topics के अंदर ही सब कुछ आएगा, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क मॉडल, ये हो गया था चैप्टर 3। नेक्स्ट आता है हम लोग का चैप्टर 4, सेकंड लास्ट चैप्टर। इसमें हालत खराब होने वाला है मोटा मोटी। नाम है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अच्छा, इसका एक एक टॉपिक 4-5 marks कंटेन करता है, ठीक है। अब आपका बस में जितना होगा पढ़ सको सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक एक कर करके आप लोग इसका टॉपिक लिखिए। अच्छा, सबसे पहला रहेगा हम लोग का इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लस यूजर्स इन बिजनेस, ये थ्योरी पोर्शन है पूरा। इसका दूसरा नाम हम लोग दे सकते हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब धीरे से, पहला आएगा हम लोग का TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, OAS ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, KMS नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, MIS DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, EIS एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ERP Enterprise Resource Planning, CRM Customer Relationship Management, SCM Supply Chain Management, HRMS Human Resource Management System, CBS and Core Banking System, AIS Accounting Information System, AI Artificial Intelligence, ES Expert System, Business Intelligence, और लास्ट में आएगा पेमेंट मैकेनिज्म्स। EFT के मोटा मोटी बराबर में आता है पेमेंट मैकेनिज्म्स। EFT में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि क्या क्या वेज है जिससे ट्रांसफर होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसफर कैसे होता है पूरा डिटेल में। तो इतना कुछ जो है एक एक आप सब पकड़ लो, 4-5 marks का आंसर है, ठीक है। अगर पूछ लिया DSS 4-5 marks का पूछेगा, पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये चैप्टर में आप ये सब, इसमें और भी कुछ कुछ है टॉपिक्स लेकिन वो सब नॉट रेलिवेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको सुनने में भी आ जाएगा नॉर्मली जनरल में। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, सब कॉमन टर्म्स हो गया। अब ERP टैली में यूज होता है, टैली ERP, तो ये सब बहुत कॉमन है। यहाँ पे HRMS बोल सकते हैं काइंड ऑफ नॉट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बाकी सब मोटा मोटी इंपॉर्टेंट है। तो ICI स्कोप नहीं छोड़ा है, माने अगर आप जहां ढील छोड़ोगे वहां फेल सीधा। ये रहा 4, चैप्टर 4, ठीक है। इसमें से एक्सपेक्टिंग 5-6 marks मिनिमम। अब वो बड़ा वाला आंसर DSS AIS ये सब में से कुछ एक पूछ लेगा।
नेक्स्ट नंबर फाइव, अब इसका चैप्टर का नाम क्या, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सब क्या क्या है, एकदम न्यू न्यू टेक्निक्स, न्यू न्यू मेथड्स, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इसके लिए देखना हम लोग को अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप कंप्यूटर के बारे में समझा रहे हो, समझ रहे हो, तो आप कंप्यूटर ला के रख दिए, समझा दिए, हो गया। ये सब समझाना समझना दोनों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एग्जैक्ट हम लोग को मिलता नहीं है। जो चीज थ्योरिटिकल है, हाइपोथेटिकल है, वो हाइपोथेटिकल ही रहेगा, ठीक है। इम्प्लीकेशन ऑफ आईटी इन बीपीए, पहला हम लोग जो कवर करेंगे, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन और मैनेजमेंट, ठीक है, दो बहुत अलग कंसेप्ट है, नाम मैच करता है, अलग बात है। बिजनेस को मैनेज करना और बिजनेस को ऑटोमेट करना, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। आपके पास कस्टमर आया, आप शॉपकीपर हो, कस्टमर आया, उसको आप अच्छे से एंटरटेन किए, ये वो करके छुट्टी। लेकिन यही अगर आप शॉपकीपर नहीं हो और आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, सपोज फ्लिपकार्ट पे, तो कस्टमर आया, ऑर्डर प्लेस किया, सब काम ऑटोमेटिक होगा और डिलीवरी उसका घर तक पहुंच जाएगा, इसको बोलेंगे बीपीए। जब बीपीए और बीपीएम दोनों साथ में काम करेगा, तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा, ठीक है। आप बिजनेस को ऑटोमेट कर दिया लेकिन आप उसको मैनेज नहीं कर रहे हो, तो हैपजर्ड हो जाएगा पूरा चीज, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं पहले बीपीएम आता है, फिर बीपीए आता है। तो अब आईटी को बीपीए में लाएंगे तब स्पीड बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिक पहले फैक्ट्री में भी होता था, जब मशीन बहुत कम यूज होता था और आदमी लोग ही सब काम करता था, उसमें भी एक ऑटोमेटिसिटी होता था, लेदर डाल दिया, जूता निकला, 25 लोग है, वो लोग का कुछ 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 काम किया, ऑटोमेटिकली निकला, अब वो काम मशीन करेगा, फास्ट होगा, एफिशिएंट होगा। आईटी इन बीपीए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए, ये पूरा थ्योरी है, सब थ्योरी। अच्छा, इसमें हम लोग को कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स हेल्पिंग इन बीपीए मिलेगा, जैसे टैली, सैप, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में। बीपीए सिक्योरिटी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल, कंट्रोलिंग बीपीए सिक्योरिटी, और लास्ट में फिर से थोड़ा पोर्शन दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग का। इस चैप्टर से पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल में दिया हुआ है पहला ही चैप्टर में, ठीक है। सो ये है आपका पूरा सिलेबस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर 50 मार्क्स, ये सब पढ़ना है, वर्थ इट। 50 मार्क के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा, जिस हिसाब से हम लोग एमसीक्यू के लिए सीपीटी में इतना मेहनत किए थे, ये तो फिर भी थ्योरी है। मार्क्स मिल जाएगा, टर्म्स को फ्यूज नहीं करना है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट लोग बहुत माथा लगाता है, दो टर्म को एक साथ जोड़ देगा, बोलेगा हाँ अब एक तो नया टर्म पैदा हुआ है, वही हम लिख के आएंगे, ऐसा काम नहीं चलता। अच्छा, इससे पहले स्टार्ट करें, हाउ टू गो अबाउट आईटी, ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जो जो टॉपिक्स दिए हैं आप वो सब अच्छे से एक बार रीडिंग मार लो, समझ लो, और हो सके तो लर्न कर लो। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अच्छे से लर्न कर लो, तो फिर आपका पास पास करना एकदम गारंटीड है। कहाँ आदमी फंसता है, अकाउंट्स पढ़ लिए, सब पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, लास्ट में आके आईटी में रुक गए। तो ये मैक्सिमम लोग के साथ हो रहा है, बहुत लोग के साथ आईटी एसएम में रुकना, जबकि आईटी सबसे इजी पेपर माना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास बेटर पेपर्स है, लेकिन आप आईटी में फेल करोगे तो आपको बाकी सब पेपर नो यूज पढ़ के भी, और एग्जेम्पशन तो रिस्क से मिलता है, ऐसा ही बात है। तो आईटी को आप लोग पूरा पीछे मत छोड़ो, ठीक है, आईटी को आप लोग पढ़ो और साथ साथ में एक एक रीडिंग मारो। जैसे अब हर वीक तो टेस्ट लेना पॉसिबल नहीं है आईटी का, तो इसमें क्या आप कर सकते हो कि जैसे अभी देख लिया, तो जिस दिन दूसरा दिन आईटी क्लास है उसके पहले पहला वाला रिवीजन मार के आ गए,
तो आप देखोगे कि आप अपडेटेड हो, क्योंकि वीक में एक आध क्लास होगा ही, एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, जैसा मिले। तो आप बस क्लास के पहले आधा घंटा पहले आप पूरा एक रीडिंग मारो जो पढ़े, उसी से आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। अब जहां तक मार्क्स उठाने का बात है, आपको टर्म्स से काफी एक्वेंटेड होना पड़ेगा, ठीक है। हम यहां समझाएंगे आपको, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि EIS क्या है, AIS क्या है, घर जाके आप भूल जाओगे, ये होगा, माने एकदम गारंटीड होगा, शायद वाला बात भी नहीं है। यहाँ पे हम समझा दिए टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन टेक्निक, अलग अलग चीज, आप यहाँ पे हाँ समझ गए समझ गए, घर गए बुक खोले कौन सा वाला क्या था याद ही नहीं आ रहा है, फिर से सर को पकड़ो इस बार, ठीक से नहीं समझाए। अच्छा ये हो गया, तो आपको टर्म्स को और डेफिनेशंस को एक साथ एकदम अटैच करके रखना है, एग्जाम में नर्वस जहां हुए वहां पे केस खत्म, ठीक है। कंप्यूटर हम लोग ही बनाए हैं, हम लोग अंडर में रहे तो अच्छा है, ठीक है। अब ये रहा आईटी का हम लोग का कंप्लीट सिलेबस, लिख लिए सिलेबस, इससे भी ज्यादा है, ये था जो हम लोग पढ़ेंगे या रेदर कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा फर्स्ट चैप्टर हम लोग अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट कर दिए तो इतना बोर हो जाइएगा कि सेकंड क्लास में सब नजर नहीं आइएगा, पहला बात ये है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भी यही है। और दूसरा बात ये है कि अभी बीपीएम जो है उसको आने में टाइम है, बीपीएम और बीपीए एंड में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पहले आईटी फंडामेंटल जो आईटी का चीज है उसको पहले आईटी का पढ़ लेते हैं, बाद में उसका थ्योरिटिकल एप्लीकेशंस देखेंगे। सो वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद चैप्टर नंबर 2। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड आईटी फंडामेंटल्स, ठीक है। इसमें हम लोग पहला टर्म क्या देखे थे, डेटा, ठीक है। तो पहला टर्म को पकड़ते हैं डेटा। अच्छा डेटा और इंफॉर्मेशन ये दो बहुत अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है। लगेगा सुनने में क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो है नहीं, आपके पास एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है और एक पीस ऑफ डेटा है, दोनों में डिफरेंस आता है कब, जब आप टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, ठीक है। सपोज आप एक शॉपकीपर हो, ठीक है, सपोज आप एक शॉपकीपर हो और आपका एक अच्छा सा दुकान है जहां पे काफी कस्टमर लोग आ जा रहा है। अब इनकम टैक्स आपको पे करने का आदत है, तो आप क्या कर रहे हो, सब पूरा जितना ट्रांजैक्शंस ये वो हो रहा है आप पूरा हिसाब रख रहे हो, ठीक है। लेकिन अब आप एक आदमी को अपॉइंट कर दिए, बोले कि जो बस सामान बेचोगे उसका हिसाब लिख देना, जो सामान नया खरीदोगे उसका हिसाब लिख देना। आदमी को पता नहीं है कि एंड में क्या होगा, वो कर रहा है पूरा साल लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो रॉ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है कि हाँ भैया 5 रुपए का बिस्किट गया, 10 रुपए का बिस्किट गया, ये गया वो गया, सब लिख रहा है, नोट डाउन कर रहा है, सम टोटल आया, ये किया, और लास्ट में ये पूरा ट्रांजेक्शन्स हम लोग का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंटर हुआ, या मैनुअली उसका एक बैलेंस शीट या एक ठो रेवेन्यू वाला क्या नाम पीएल अकाउंट, हाँ पढ़ रहा खुद ही बोली, पीएल अकाउंट हम लोग रेडी करेंगे। पीएल अकाउंट करते 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 लास्ट में हम लोग को क्या जनरेट होगा, एक बैलेंस शीट, ठीक है। और वो बैलेंस शीट जो है हम लोग डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे, उसी पे जो प्रोसेसिंग होना होगा होगा। तो ये जो बैलेंस शीट बना किससे बना, इनडायरेक्टली वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से होते होते, वही उसका बिजनेस है, उसी से खा रहा है, उसी से पी रहा है। तो डेटा हम लोग इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, ठीक है, या डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन। अब वो रॉ इंफॉर्मेशन को हम लोग थोड़ा सा कंबाइन करते हैं, उसको अलग अलग हेड्स में डालते हैं, और उसके बाद उसका एक इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वो होता है डेटा प्रोसेसिंग से, ठीक है। तो ये डेटा हो गया कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन क्या हुआ, इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट इज प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं
रिलेटेड डेटा रिफाइंड इन अ वेरी नाइस मैनर इज नोन एज इंफॉर्मेशन. आप इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन खुद ही बना सकते हो, ठीक है, जब तक इट मेक सेंस. उल्टा सीधा मत लिख के आइएगा. तो डेटा है रॉ फैक्ट्स, इसको आप कलेक्ट किए, प्रोसेस किए, ये बन गया इंफॉर्मेशन. आप डेली जो काम करते हो उससे भी डेटा कलेक्ट होता है, आप इंफॉर्मेशन जनरेट करते हो. अभी आप नोट्स लिखोगे, आप उसको पढ़ोगे, एग्जाम में लिख के आओगे, वो जनरेट करेगा इंफॉर्मेशन, ठीक है. तो डेटा और इंफॉर्मेशन, डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा थ्रू प्रोसेसिंग, उसको हम लोग बोलेंगे डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है. डेटा प्रोसेसिंग कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है, उसमें घुस रहे हैं प्रोसेसिंग. अब डेटा लिए, सपोज आपको दो नंबर दिया कैलकुलेट करने के लिए, या तीन नंबर है ऐड करना है, 10, 9, 21, 40 हो रहे. तो ये जो हम 40 बोला, ये हम खुद मैनुअल किए, मैनुअली, कोई डिवाइस नहीं आया बीच में, कोई कैलकुलेटर नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं. तो ये हम लोग बोलेंगे, जो हम हाथ से लिख रहे हैं इसको बोलेंगे मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग. तो प्रोसेसिंग का फर्स्ट टाइप हो गया हम लोग का मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग. फर्स्ट हुआ, ठीक है. अच्छा, अब यही आप हमको ये तीन नंबर दो, हमको कैलकुलेट करने में सपोज 2 सेकंड लगा या 3 सेकंड लगा, तो आप एक कैलकुलेटर में ये फिगर जैसे ही डालोगे और इक्वल टू दबाओगे तो आपको टाइम मिली सेकेंड्स में लगेगा और आपको इंफॉर्मेशन अचीव हो जाएगा, ठीक है. हम लोग जब खुद भी मैनुअली कुछ काम किए हैं, मैनुअली देखें और कहीं पे उसको नोट डाउन किए हैं, वो पर्टिकुलर आउटपुट का हम और फर्दर यूज टेक्निकली नहीं कर पा रहे, उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग. आप कैलकुलेटर ले सकते हो या एबकस, बेसिक होता है एबकस, देखे हो आप, एक तो वो बॉक्स रहता है उसमें. तो एबकस में क्या होता है, आप कोई इंस्ट्रूमेंट का हेल्प ले रहे हो कैलकुलेशन पर्पस के लिए. अब वो कैलकुलेशन भी एक सर्टेन एक्सटेंट तक हो पाएगा, जैसे कैलकुलेटर में 12 डिजिट दिखाएगा उसके बाद एरर दिखा देगा, वैसे ही एबकस में भी एक लिमिट होता था कैलकुलेशन का, मतलब 10 लाख × 10 लाख बस वहां तक पहुंच गए, अब इससे ज्यादा हम एबकस के थ्रू नहीं कर पाएंगे. तो मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, माने इसमें मेरा मैनुअल लेबर भी लग रहा है थोड़ा सा और एक इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है जो मेरा काम को फास्ट कर रहा है. कैलकुलेटर में हम लोग कैसे बोल रहे हैं टेक्निकल और प्रोसीडिंग नहीं हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि आपको इक्वल टू दे दिया, रिजल्ट आ गया, अब आपको वो रिजल्ट को खुद जॉट डाउन करना होगा, कहीं आप उसको कहीं से और कॉपी पेस्ट करके नहीं लगा सकते, उसको बोलेंगे कैलकुलेटर. कैलकुलेटर अभी वाला सब एडवांस्ड आ गया, हम लोग बात कर रहे हैं 3-4 साल पुराना, ठीक है, जहां पे खाली वही अभी भी वही यूज होता है. साइंटिफिक को छोड़ के अगर देखें तो मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग ये हुआ. लास्ट में आता है हम लोग का ईडीपी, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको लेके ही पूरा हम लोग का आईटी सिलेबस बेस्ड है, ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है. डेटा प्रोसेसिंग वेरी फास्ट, वेरी एफिशिएंट, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैटर में हो रहा है. कंप्यूटर में आप ये तीन डालो, 20 डालो, 30 डालो, जितना फिगर मन है डालो, कोई लिमिट्स वैसा नहीं होता, कुछ एक लिमिट होता है, डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेटर, ठीक है. तो ईडीपी हो गया इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, एवरीथिंग इज डन इन अ वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट मैनर, ठीक है. इसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपको मिला है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हुआ है उसको आप फर्दर एक लिमिट तक ले जा सकते हो और लेवल्स क्रॉस कर सकते हो, जैसे कैलकुलेटर में रिजल्ट आया, अब आप उसको एक्सेल में डाल सकते हो, एक्सेल में ऐसा 3 फिगर डाले, फॉर्मूला बैठाए, 4th फिगर आ गया, तो आप उसको और आगे 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 बढ़ा सकते हो और वेरी फास्ट एंड इन एन एफिशियंट मैनर, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग. ईडीपी आप लोग का पुराना सिलेबस में बहुत डिटेल में था, लेकिन टू स्टार्ट ऑफ द सिलेबस ये रिक्वायर्ड है, ठीक है. तो अब आपको मालूम है डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा प्रोसेसिंग क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग क्लियर. अच्छा, अब डेटा क्या है मालूम है, इंफॉर्मेशन क्या है मालूम है,
तो डेटा और इंफॉर्मेशन का आप डिफरेंस लिख सकते हो दो पॉइंट, ठीक है। अच्छा अब और एक है, लास्ट में हम लोग देखे थे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। अब जैसे एक कंपनी का बैलेंस शीट निकला, ठीक है, बैलेंस शीट में भी प्रॉफिट लॉस इफेक्ट करता है, थोड़ा सा हम लोग को मिलता है, या अदर हम लोग एसेट्स कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग क्या किए, बैलेंस शीट क्या है, डेटा का इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस डेटा है, इंफॉर्मेशन आ गया। ऐसे ही 10 साल का हम लोग इंफॉर्मेशन एक टुगेदर कलेक्ट किए और उसमें हम लोग कंपेरिजन किए और एक कंपेरिटिव रिपोर्ट जनरेट किए, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए, अब वो इंफॉर्मेशन को भी आप फर्दर प्रोसेस कर रहे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। कंसेप्ट इजी है, थोड़ा सा आप सोचोगे आपको आ भी जाएगा एग्जाम में। अच्छा इसमें क्या होता है कि आप एग्जाम जब लिखने जाओगे तो आपको बड़ा बड़ा टर्म पूछेगा, जैसे कुछ एक है जैसे ईडीपी लिखे, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिकल डेटा प्रोसेसिंग मैकेनिज्म, तो आप लोग सोचोगे बाप रे इतना बड़ा वर्ड तो एपीजे अब्दुल कलाम का भी नहीं है। तो डेटा इंफॉर्मेशन, तो डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ गया हम लोग का कंप्यूटर, चलिए व्हाट इज कंप्यूटर, गलत, मैकेनिकल कैसे हुआ, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है, विच हेल्प्स मेक, आजकल का पहले होता था कि खाली कैलकुलेशन, अभी का डेफिनेशन के हिसाब से काफी मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग चल रहा है, ठीक है। अभी खाली आप कैलकुलेटर खोल के नहीं बैठते हो, उसमें आपको बहुत काम रहता है, पिक्चर भी देखते हो, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ कैलकुलेट। आपको पिक्चर दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ क्या कर रहा है, कैलकुलेट। अच्छा कंप्यूटर का एकदम बेसिक्स, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स वन लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, जीरो एंड वन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे काम करता है, सिर्फ जो चीज इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा वो खाली ऑन ऑफ पे ही काम करेगा, ठीक है। अब क्या है इसमें सिस्टम, स्विचिंग होता है अंदर में, सर्किट्स इसलिए बना हुआ है, स्विचिंग करता है। अच्छा अब जीरो एंड वन पे काम कर रहा है तो इसको कैसे डिनोट किया जाता है, जहां इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं मिला जीरो, जहां इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिला वन, तो ये डिजिटल फॉर्मेट में काम करता है, ठीक है। यहां से हम लोग को दो कंसेप्ट निकल सकता है, एक होता है डिजिटल ट्रांसमिशन, एक होता है एनालॉग ट्रांसमिशन, ठीक है। घर पे टेलीफोन लैंडलाइन है, आप लोग जो उस पर बात करते हो पतला वाला ब्लैक वायर से बात होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग, ठीक है। आप देखो मोबाइल फोन जैसा टच स्क्रीन नहीं है, ये वो नहीं है, और उसमें एनालॉग सिग्नल्स होता है और उसका एक स्पेसिफाइड नंबर होता है जो टेलीफोन एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। हम लोग जो भी कुछ बात करते हैं, आप देखोगे आप जोर से बात करोगे जोर से आवाज सुनाई देगा, धीरे बात करोगे धीरे सुनाई देगा, तो वो जो एनालॉग वेव्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट होता है। तो एनालॉग वेव्स कैसे जाएगा, अप डाउन पहाड़ जैसा दिखेगा, और ये कैसे जाता है ब्लॉक का सिस्टम में, पहले अप होगा फिर डाउन गिरेगा, ये जीरो वन जीरो ऐसे चलेगा, जैसे एक हार्ट रेट सेंसर चलता है लिटरली, और अप डाउन होगा और जीरो वन का फॉर्मेट ही फॉलो करेगा। तो ये हो गया हम लोग का कंप्यूटर, बाइनरी लैंग्वेज फॉलो करेगा। कंप्यूटर के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, पहले वाला सिलेबस में था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर वो, अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है आप लोग को मालूम है आजकल, और कंप्यूटर का डेफिनेशन जहां तक है नहीं पूछेगा, इतना बुका आईसीआई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। लैंग्वेज हो गया बाइनरी जीरो एंड वन, ये बस माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हम लोग का ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। एक डायग्राम होता है, वो डायग्राम को अगर हम लोग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स या प्लेन फिगर्स का फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ब्लॉक डायग्राम,
कंप्यूटर का सबसे मेन चीज क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू को कंट्रोल किससे करते हैं? इनपुट डिवाइसेस से। सीपीयू का आउटपुट कैसे लेते हैं? आउटपुट डिवाइसेस से। अच्छा, सीपीयू का हम लोग बेसिकली देखेंगे थ्री पार्ट्स होता है, सीयू, एएलयू, मेमोरी। मेमोरी इन द सेंस सीपीयू के अंदर जो मेमोरी लगता है, जो सीपीयू को मेमोरी हम लोग बोलते हैं, उसका एक डिफरेंट डेफिनेशन है, ठीक है। और हम लोग जो पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क यूज करते हैं, उसका मेमोरी का अलग डेफिनेशन है। तो हम लोग यहां पे बाहर में लिखते हैं प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। स्टोरेज से क्या होता है? डेटा स्टोर भी होता है और रिट्राइव भी होता है, दोनों होता है। ये हो गया हम लोग का ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस जब हम लोग बात करेंगे तब ऐसा डिवाइस का नाम देंगे जो सिर्फ इनपुट करता हो, जैसे ये माइक, ये हो गया एक इनपुट डिवाइस। इससे खाली साउंड जा रहा है, कोई टाइप का साउंड आ नहीं रहा है। हम लोग का कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस हो गया कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, स्कैनर, मल्टीफंक्शन प्रिंटर नहीं लिख सकते आप, वो दोनों हैं, इनपुट भी आउटपुट भी है। तो माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया, और भी बहुत डिवाइसेस आता है। तो ये हो गया हम लोग का इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर बेसिकली मेंट टू कंट्रोल द सीपीयू एंड ऑल्सो गिव एडिशनल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द सीपीयू। कीबोर्ड माउस से आप कंट्रोल कर रहे हो, और स्कैनर से और माइक्रोफोन और वेबकैम से आप कुछ एक एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दे रहे हो, मतलब कंट्रोल करते करते आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। ये हो गया इनपुट डिवाइसेस। अब आप सीपीयू में इनपुट तो दे दिए, कंट्रोल कर रहे हो आप सीपीयू को, लेकिन आप जो कंट्रोल कर रहे हो, जो भी कुछ काम कर रहे हो, उसको आपको आउटपुट चाहिए। हम लोग का मॉनिटर कंप्यूटर का बेसिक आउटपुट है, ठीक है। कंप्यूटर में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो आपको मॉनिटर पे दिखता है। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले हम लोग का एग्जांपल आ जाता है वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। अब वीडीयू में डिफरेंट कैटेगरी है, पहले सीआरटी मॉनिटर था, एलसीडी है, एलईडी आ गया, उसके बाद अब यूएचडी आ गया है, बहुत है, चलते जा रहा है, कर्व्ड यूएचडी आ गया है। तो मॉनिटर्स का भी अब एंड नहीं है। वीडियो 3D है, 4D है, 7D है, अब हिलेगा मॉनिटर खुद ही, वीडियो, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पहला आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का प्रिंटर, स्पीकर, ऐसा बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं आउटपुट में। अब जो जो डिवाइसेस बना है,
काफी डिवाइसेस है। ये हो गया हम लोग का इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सीपीयू में। अब सीपीयू क्या करता है? सीपीयू का टास्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सीपीयू जो काम करता है बहुत हद तक कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर दिए। अब इसको इजीली एक एक पकड़ पकड़ के समझ लेते हैं। सबसे पहला आप ये जानते हो एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी रजिस्टर जिसपे हम लोग आते हैं, सीपीयू। अच्छा, सीयू को कैसे हम लोग एग्जाम्पल में बैठाएंगे? इसका एग्जाम्पल हो गया एक होटल का मैनेजर, ठीक है। होटल का मैनेजर का काम क्या है? दूसरों से काम करवाना, वही इसका भी काम है। सीयू का काम है जितना बाकी का डिवाइसेस और प्रोसेसेस अटैच्ड है वो सब का यूज लेना और वो सबको काम में लगाना। इसका बॉस कौन है? हम लोग, यूजर, ठीक है। और इसके अंडर में बाकी सब आता है। तो सीयू आ गया। सीयू कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड द स्टोरेज डिवाइसेस। जितना भी कॉम्पोनेंट्स है, पार्ट्स है, जो भी कनेक्टेड है सीयू से, सबको वो कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। अगर हम बोले कि गूगल क्रोम खोलो या ब्राउजर खोलो, तो वो ये ध्यान रखेगा कि एज सून एज पॉसिबल गूगल क्रोम खुल जाए। हाई प्रायोरिटी जॉब्स पहले हो और लो प्रायोरिटी जॉब्स बाद में हो। आपका इंटरनेट कनेक्शन का स्पीड स्लो है, ऑलरेडी स्लो है, आपको अभी गूगल क्रोम में कुछ अर्जेंट काम है और पीछे में आप टॉरेंट पे पिक्चर लगाए हो डाउनलोड पे, हो सकता है। तो ये कंट्रोल यूनिट का काम है कि नेटवर्क कार्ड को बोलेगा अभी इस पर्टिकुलर टास्क पे ज्यादा फोकस करो, दूसरा वाला पे कम करो, तो वो उस हिसाब से मैनेज करेगा। तो सीयू जो है वो पूरा कंप्यूटर को मैनेज कर रहा है फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आ जाता है एएलयू। एएलयू का काम क्या है? वो बेस है जहां से पूरा कंप्यूटर का काम हो रहा है। काम कैसे करना है ये बताता है, लेकिन काम पूरा कैलकुलेशंस का काम एएलयू करता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिविजन, सब्ट्रैक्शन और लॉजिक गेट्स नाम का एक चीज होता है। लॉजिक गेट्स बुलियन अलजेब्रा में आता है, यहाँ पे हम लोग है नहीं। तो एएलयू में क्या होता है? लॉजिक गेट्स यूज होता है, एंड और नॉट, तीन गेट होता है, ठीक है। दो काम एक साथ करना है, एंड गेट यूज होगा, कोई ऑप्शनल काम है और होगा, और अगर उल्टा काम करना है नॉट होगा, ठीक है। ये तीन लॉजिक गेट्स और बाकी सब का कैलकुलेशन सिर्फ एएलयू मैनेज करता है, ठीक है। पूरा कंप्यूटर का कैलकुलेशन ये कर रहा है। आप कैलकुलेटर यूज किए, बहुत छोटा चीज है इस एएलयू के लिए, क्योंकि आप जो डिस्प्ले ये वो सब कुछ देख रहे हो, बहुत थाउजेंड एंड लैक्स टाइम्स ये कैलकुलेशन करके बैठ चुका है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का मेमोरी रजिस्टर। अब कंप्यूटर काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको कोई एक जगह चाहिए जहां पे वो जो काम कर रहा है उसको होल्ड करे, ठीक है। जो भी काम कर रहा है उसको हम लोग दो जगह बोलते हैं, रजिस्टर्स और कैश मेमोरी, ठीक है। मेमोरी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैश मेमोरी। आप मार्केट में जाओ, ठीक है, आप बोलोगे हमको एक प्रोसेसर खरीदना, वो बोलेगा आपको बजट क्या है ये वो पूछेगा। आप बोलोगे बजट मतलब नहीं है, बहुत कम होता है सालों, बजट मतलब नहीं है, हमको बस स्पीड चाहिए। तो वो क्या बोलेगा? आप अच्छा अच्छा प्रोसेसर आपको दिखाएगा, महंगा महंगा i7 ये वो, कुछ कुछ अच्छा अच्छा प्रोसेसर है मार्केट में जो बहुत हैवी परफॉर्मेंस का देता है। तो उसमें क्या आप देखोगे कि बाकी सब आप प्रोसेसर से कंपेयर करोगे, सबका फोटो अच्छे से दिया हुआ है बाहर, सब कुछ बड़ा अच्छा धमाल परफॉर्मेंस है, सब कुछ है, लेकिन जब आप मेन चीज कंपेयर करोगे आपको डिफरेंस मिलेगा कैश मेमोरी में। एक होता है थ्रेड, एक होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या प्रोवाइड करता है? कुछ एक MB कैश, मतलब एक प्रोसेसर कितना मेमोरी होल्ड कर सकता है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत हैवी गेमिंग के लिए यूज करोगे, आपका स्क्रीन बड़ा है कंप्यूटर का, आप बहुत हैवी गेम्स खेलते हो, आप एक गेम डिजाइनर हो या आर्टिस्ट हो, या आप एक एंथुजियास्ट हो जो गेम खेलना पसंद करते हैं, या आपका एक गेमिंग कैफे है, तो फिर आप इतना बड़ा बड़ा डिस्प्ले लगा के रखे हो, इसका इतना बड़ा बड़ा डिस्प्ले पे हैवी ग्राफिक्स कोई एक मामूली प्रोसेसर नहीं कर सकता जनरेट, जल जाएगा, बर्न हो जाएगा या चलेगा ही नहीं। तो मेमोरी जो है वो कैश मेमोरी अगर ज्यादा रहता है तो वो ज्यादा डेटा एट दैट पर्टिकुलर टाइम गिवन टाइम हैंडल कर सकता है, तो इसलिए कैश मेमोरी हम लोग का एक प्रायोरिटी होता है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का रजिस्टर्स। रजिस्टर्स एक होता है कि अटेंडेंस रजिस्टर और एक होता है कंप्यूटर का रजिस्टर, मोटा मोटी दोनों एक जैसा काम करता है।
ठीक है, रजिस्टर का काम क्या रहता है, आप जितना भी काम कर रहे हो कंप्यूटर में उसका एक लॉग क्रिएट करना, वो हम लोग का काम करता है रजिस्टर। रजिस्टर हम लोग खुद मैनुअली चेक भी कर सकते हैं कंप्यूटर का, कुछ अलग अलग होता है जैसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग फीचर्स है, तो विंडोज में भी रजिस्टर्स हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आप गूगल करोगे कोड बता देगा आपको, वो कोड अप्लाई करना और आपको पूरा रजिस्टर्स मिल जाएगा। ये हो गया हम लोग का रजिस्टर्स। ये रजिस्टर क्या करता है, बेसिक इंफॉर्मेशन सब डिवाइस का स्टोर कर लेता है कि जब कंप्यूटर ऑन होगा आप देखोगे आजकल ब्लैक स्क्रीन आता है, ब्लैक स्क्रीन पे दिखाएगा वन कीबोर्ड वन माउस एंड वन डीवीडी ड्राइव कनेक्टेड, ये दिखाएगा। या अगर वो भी नहीं तो बोलेगा टू यूएसबी डिवाइसेस कनेक्टेड। यूएसबी का फुल फॉर्म यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो रजिस्टर्स का काम क्या हुआ, वो जितना भी डिवाइसेस कनेक्ट हुआ है, हम लोग एक ड्राइवर सबका इंस्टॉल करते हैं, अपने आप प्रिंटर खरीदो उसके साथ एक सीडी देगा, अपने आप माइक खरीदो उसके साथ एक सीडी देगा, या आप एक नया मॉनिटर लाओ तो वो बड़ा प्रॉब्लम होता है उसका रेजोल्यूशन एडजस्ट करने में, फिर आप नेट से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो फिर आप बैठाते हो। और जब आप सबसे मुश्किल काम होता है जब आप वो लाते हो NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसको रजिस्टर करना, क्योंकि इंटरनेट तो चलेगा नहीं और आपको बहुत माथा लगा के उसको चालू करना होता है। तो मेमोरी रजिस्टर्स क्या करेगा, बेसिक जितना भी डिवाइसेस है सबका इंफॉर्मेशन ले लेगा कि मिनिमम कॉन्टैक्ट हम मेंटेन कर पाए, ये वो एस्टैब्लिश करता है। अगर रजिस्टर में डिवाइस अपियर नहीं करेगा तो वो कॉन्टैक्ट में नहीं रह सकता। आप यहां तक देखो, अभी कुछ एक डाउट है तो आप लोग, so we'll be continuing with primary storage. अच्छा, memory registers हो गया हम लोग का, अब आता है हम लोग का primary storage, ठीक है। अच्छा, computer में RAM होता है, RAM का full form, वाह ठीक है, मेरा mind में फालतू फालतू जो आ रहा है, राम सीता को ले, अच्छा जो भी, primary storage, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज में हम लोग को रैम आ जाता है सबसे पहला चीज, ठीक है, और हम लोग का जो इंटरनल हार्ड डिस्क होता है रादर, उसको हम लोग कभी कभी प्राइमरी स्टोरेज में कंसीडर करते हैं, लेकिन सबसे मेन एग्जांपल होता है रैम, ठीक है। दो चीज हम लोग को मिलेगा प्राइमरी स्टोरेज में, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, हम लोग कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वो सब काम रैम में होता है, ठीक है। आप वर्ड में डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रहे हो, अब वो डेटा कहीं ना कहीं पे तो होल्ड है, आप डेटा सेव नहीं किए, लाइट चला गया, ऑन किए देखे डेटा गायब, तो आप जितना भी डेटा आप किए टाइप आप देखोगे वो सब सब गायब हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो जो भी डेटा आप टाइप कर रहे थे वो रैम में, और रैम का जो फीचर है वो ये होता है कि एज सून एज द पावर इज स्विच्ड ऑफ द डेटा इज गॉन। आप कंप्यूटर बोलते स्लो हो गया, बहुत ज्यादा स्लो काम कर रहा है, ऑन करके ऑफ करो ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा स्पीड में आ जाता है। या हम लोग बोलते हैं कि अच्छा गेम नहीं खेल पा रहे हैं, क्यों, रैम कम है कंप्यूटर में, तो अगर रैम ज्यादा रहेगा तो वो वर्चुअल मेमोरी ज्यादा जनरेट कर पाएगा और ज्यादा डेटा को लाइव होल्ड कर पाएगा, वो होगा हम लोग का रैम, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको रैंडम एक्सेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंप्यूटर उसको जनरली 24 जब भी कंप्यूटर ऑन रहेगा वो रैम के बल पे ही काम करेगा, रैम नहीं रहेगा तो बीप करेगा कंप्यूटर। रोम, रीड ओनली मेमोरी, टाइप्स ऑफ रोम भी पढ़ेंगे, तो रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, कंप्यूटर ऑन किए ब्लैक स्क्रीन आया, जो कंपनी का मदरबोर्ड है वो कंपनी का लोगो दिखाएगा, डिवाइसेस अटैच दिखाएगा, वो सब कुछ रन करता है रोम पे, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जो कुछ भी आ रहा है। तो रोम क्या करता है, वो हम लोग का बूट मेमोरी, जो हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर जब ऑन होता है उस प्रोसेस को हम लोग बूटिंग बोलते हैं, तो बूट मेमोरी को हैंडल करता है रोम। तो ये दो प्राइमरी स्टोरेज बोलते हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि आप हार्ड डिस्क ना लगाओ फिर भी कंप्यूटर तो ऑन होगा ही, ठीक है, भले ही वो बोलेगा इंसर्ट स्टोरेज ड्राइव या ऐसा कुछ, लेकिन कंप्यूटर ऑन होगा, तो कंप्यूटर चल गया, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज लगाएंगे तब हम लोग को डेटा स्टोरेज का स्पेस मिलेगा। प्राइमरी स्टोरेज में रैम और रोम हम लोग का सबसे प्राइमरी या सबसे हाई प्रायोरिटी होता है। आप रैम कम लगाओगे कंप्यूटर स्लो हो जाएगा,
आप अगर, लेकिन आप अगर हार्ड डिस्क कम लगाओगे ऐसा नेसेसरी नहीं है कि कंप्यूटर स्लो हो जाए, आपका डेटा कम स्टोर होगा, इफेक्ट करता है रैम को भी, लेकिन फिर प्राइमरी स्टोरेज क्लियर। रोम में क्या क्या आता है, एक होता है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक होता है पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक अल्ट्रा वायलेट रीड ओनली मेमोरी, ऐसा ऐसा बहुत टाइप्स है, वो सब है नहीं सिलेबस में। तो रोम रैम प्राइमरी डिवाइस हो गया, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में हम लोग को क्या मिलेगा, फ्लैश ड्राइव्स। फ्लैश ड्राइव्स माने पेन ड्राइव्स, एग्जाम में पेन ड्राइव लिख के कोई नहीं आएगा, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। फ्लैश ड्राइव्स, पेन ड्राइव हो गया हम लोग का, सीडीज हो गया हम लोग का, डीवीडीज हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, अभी तो हार्ड डिस्क ही चलता है, लोग एक एक टेराबाइट दो दो टेराबाइट का हार्ड डिस्क लेके घूमता है। हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, सीडीज, डीवीडीज, ये सब हो गया। एसडी कार्ड्स बोलते हैं, एमएमसी, ये सब कार्ड्स है, ठीक है, ये सब हो गया हम लोग का फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीडीज डीवीडीज हो गया, ये सब हो गया सेकेंडरी स्टोरेज, जहां पे हम डेटा को सेव करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब अलग अलग फीचर्स है अलग अलग ड्राइव्स का, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मीडियम साइज है, तो वैसे ही चलता है। और एक आता है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी स्टोरेज, ठीक है, बहुत कम लोग एक्वेंटेड है इस टर्म से, टर्शियरी स्टोरेज। अच्छा, टर्शियरी स्टोरेज इज काइंड ऑफ ना घर का ना घाट का, ठीक है, कैसे होता है, जैसे एक सीडी लाइब्रेरी में जब आप जाओ, ठीक है, या पहले जो फ्लॉपी लाइब्रेरीज होता था, तो एक फ्लॉपी में साइज होता था 1.38 MB, 2 MB मैक्सिमम, 2 MB माने एक गाना भी ना घुसे, इतना कम फाइल स्टोरेज होता था एक फ्लॉपी में। तो फ्लॉपीज का एक लाइब्रेरी मेंटेन किया जाता था, अभी नहीं, पहले, अभी भी होगा, तो पूरा अल्फाबेटिकली सॉर्टेड होता था, बड़ा बड़ा लाइब्रेरीज होता था, तो वो जो सॉर्टिंग डिवाइस था या सॉर्टिंग जगह था जिस शेल्स में वो सब स्टोर होता था, उसको हम लोग बोलते थे टर्शियरी स्टोरेज, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हुआ, सीडी को आप सीडी राइटर ड्राइव में डालते हो, वो ड्राइव को हम लोग बोलते हैं टर्शियरी स्टोरेज, ठीक है, वो टर्शियरी मीडियम है, रैदर स्टोरेज को एक जगह प्रोवाइड करता है और कुछ नहीं, ठीक है, टर्शियरी स्टोरेज। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो गया, ये हो गया हम लोग का ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। ओह, क्लियर पूरा, नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का हार्डवेयर। अच्छा, हार्डवेयर कंसेप्ट इजी है, कुछ है नहीं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आप रखा, पहले लोग को मुश्किल होता था, अब कुछ नहीं है। हार्डवेयर टेंजिबल थिंग्स इन अ कंप्यूटर, रादर वी कैन से, जैसे हम लोग का सीपीयू हो गया, जो जो पार्ट्स हम लोग टच कर पा रहे हैं, जो जो पार्ट्स हम लोग रिपेयर कर सकते हैं रादर हाथ से, वो सब हम लोग बोलते हैं टैंजिबल है, ठीक है। हम लोग का कंप्यूटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब चीज को हम लोग टच कर रहे हैं, लेकिन मॉनिटर का अंदर में जो डिस्प्ले देता है, क्या वो सब हम लोग टच कर सकते हैं? नहीं, जो भी हम टाइप किए स्क्रीन पे आया अल्फाबेट्स, वो सब टच नहीं कर सकते जब तक वो प्रिंटर से आउटपुट निकलता नहीं उसका, इसलिए हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी हो गया ईमेल, ये वो, हार्ड कॉपी हो गया प्रिंट आउट, ठीक है। तो हार्डवेयर हम लोग बोलते हैं रादर टैंजिबल है और रिपेयरेबल। सॉफ्टवेयर क्या होता है? इनटेंजिबल। और इसमें रिपेयर का कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं डिबगिंग। बेसिक समझा के हमको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, बेसिक्स मालूम है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सबको मालूम है,
थोड़ा डिटेल में जाते हैं, हार्डवेयर को हम लोग बोलेंगे टेंजिबल और इसका रिपेयरिंग प्रोसेसेस को नॉर्मली हम लोग रिपेयरेबल बोलते हैं। सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल और इसका जो अगर हम लोग जैसे सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट किए, ठीक है, आप अपना सॉफ्टवेयर बनाए, ठीक है, यहां तक कि जो माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसमें भी कुछ कुछ डिमेरिट्स होता है, तभी वो लोग अपडेट्स निकालते हैं, इंप्रूव करता है। तो एक होता है डिबगिंग कि सॉफ्टवेयर खराब है, एक होता है डिबगिंग सॉफ्टवेयर इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। आप जितना लंबा प्रोग्राम लिखोगे उतना टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन में, तो वो लोग क्या करता है प्रोग्राम को छोटा करेगा और छोटा करेगा और छोटा करेगा ताकि और फास्ट चले प्रोग्राम, काम वही करेगा लेकिन फास्ट करेगा। इसलिए बोलता है ना विंडोज, अब विंडोज आप एक्सपी यूज करो चाहे 8.1 यूज करो, काम दोनों का सेम आपको निकलेगा लेकिन स्मूथ ज्यादा है 8.1, काम जल्दी होगा, अच्छा है, दिखने में अच्छा है, तो वो सब बहुत इंप्रूवमेंट्स हुआ है। तो इंटेंजिबल और डिबगिंग, तो हम लोग ये जो टर्म यूज करते हैं वो है डिबगिंग। डिबग किसको बोलेंगे, एरर को बोलते हैं, एरर को बोलते हैं बग्स, बग को ठीक करना हो गया डिबगिंग, ठीक है। अब आप उसको ठीक करो, रिपेयर करो, ये सब कुछ जो भी टर्म्स है सॉफ्टवेयर में यूज होगा। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, क्लियर, हार्डवेयर हो गया हम लोग का जो जो चीज टच कर पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर हो गया जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। हार्डवेयर डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर। एक कंप्यूटर, आप एक गाड़ी खरीदे, ठीक है, उसमें ड्राइवर नहीं है, गाड़ी है, चलेगा, तेल भी भर दो तो भी चलेगा, वैसे आप कंप्यूटर में पावर भी दे दो, सब कर दो, लेकिन जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा हम नहीं करेंगे, ठीक है। आप बोलो ड्राइवर है मेरे पास, लेकिन करेगा क्या, वो गाड़ी है नहीं है, तो गाड़ी लाना पड़ेगा। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपको एक साथ हमेशा रहेगा। हार्डवेयर में तो कुछ खास है नहीं, हार्डवेयर में जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल ओनली बी टिल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये हो गया हार्डवेयर, हार्डवेयर का यही है जो भी है, और कुछ है नहीं पढ़ने लायक। सॉफ्टवेयर में है कुछ कुछ पार्ट्स, सॉफ्टवेयर में हम लोग तीन कैटेगरी में डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहला होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होगा जनरल पर्पस और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अच्छा, सॉफ्टवेयर हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे बेस, ये नहीं होगा बाकी दो नहीं होगा, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का दो बेस एग्जांपल हो गया हम लोग का बूट मेनू कंप्यूटर का, ये हो गया रोम में, और हम लोग का कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब एकदम बेस प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसके बिना कुछ काम नहीं होगा। तो बेस प्लेटफॉर्म या बेस सॉफ्टवेयर जिस पे ये सब बनता है इसको हम लोग बोलेंगे, सबसे पहला आता है बूट मेनू। आप कंप्यूटर रोम है आपके पास, रोम में भी प्रोग्राम डाला है, वो प्रोग्राम को हम लोग बोलेंगे बूट प्रोग्राम, वो हो गया एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद आप बूट प्रोग्राम के बाद आप देखोगे विंडोज 7 आ गया और विंडोज जलने लगा, तो वो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ। मैंने बूट मेनू बोला कंप्यूटर को, कंट्रोल यूनिट को, कि अब तुम ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करो, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा। और विंडोज आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहे, आप लिनक्स डालो, उबंटू डालो, या आप मैकिंटोश हो तो भी अच्छा है, विंडोज चलता है मैक्सिमम। तो एक्सपी है, विंडोज 7 है, विंडोज 8.1 जैसा है, वो कंप्यूटर का हार्डवेयर परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 8.1 लगा लिए तो दुनिया का सबसे अच्छा गेम खेल सकते, ऐसा नहीं है। आप खड़ा हुआ कंप्यूटर में 8.1 जैसे तैसे डाल दिया और आप बोलोगे हम इसमें HD मूवी बैठ के देखेंगे, नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं, एक फ्रेम दिखाएगा फिर गायब, कंप्यूटर ही बंद, 8.1 छोड़ो 0.1 भी नहीं रहा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और बूट मेनू, ये हो गया हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द बेस सॉफ्टवेयर अपॉन विच द अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर बिल्ट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो गया, सपोज आप एक ठो कैलकुलेटर बना दिए, या गेम
गेम ही पकड़ लो आप, तो आप कंप्यूटर ऑन किए डायरेक्ट गेम खुल गया, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। या कंप्यूटर में स्टार्ट, कंप्यूटर ऑन किया और गेम चालू, वो सिर्फ गेमिंग मशीन्स में होता है, वो भी उसमें भी नहीं होता, उसमें भी एक स्टार्टिंग स्क्रीन होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसमें क्या हम लोग को मिलेगा, आप जैसे कुछ भी प्रोग्राम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये सब विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द बेस प्लेटफॉर्म टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, डेटा प्रोग्राम्स, गूगल क्रोम, ये सब सब कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मोबाइल पर भी एप्लीकेबल है। अब कंप्यूटर का बात करते हैं, मोबाइल ही आता है माइंड में, क्योंकि सब कुछ होता है, ठीक है। तो मोबाइल में भी आप देख लो, बूट मेनू है, आप कंप्यूटर ऑन करो मोबाइल, सैमसंग का लोगो दिखाएगा, बूट मेनू है, उसके बाद स्टार्ट होगा, पासवर्ड मांगेगा जैसा कंप्यूटर में मांगता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया, एंड्रॉयड हो, iOS हो, ऑपरेटिंग सिस्टम आया, उसमें भी गूगल क्रोम है, उसमें भी आप गूगल क्रोम खोले, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं एप्स। तो ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कोई कोई सॉफ्टवेयर, छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बहुत हेल्पफुल प्रूफ होता है, ठीक है। जैसे आप एक्सेल में आपको डेटा एंटर करना है, आप नीचे में कैलकुलेटर का एक टास्क बार में आइकॉन बना दियो, कभी कभी कुछ कुछ अर्जेंट कैलकुलेटर के लिए, कैलकुलेशन पर्पस के लिए, तो इसको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं या जनरल पर्पस में डाल देते हैं, ठीक है। एक होता है कैरेक्टर मैप, जानते हो कैरेक्टर मैप? कैरेक्टर मैप एक होता है, माने उसमें जितना भी फॉन्ट्स है, स्पेशल टाइप का फॉन्ट्स, जैसे कॉपीराइट मार्क, ट्रेडमार्क, ये सब जो जो मार्क्स रहता है, आप बस विंडोज बटन खोलो, उसमें टाइप कर दो कैरेक्टर, कैरेक्टर मैप खुल जाएगा, ठीक है। तो वो खुलने से आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का अनयूजुअल सिंबल्स मिलता है, जैसे कॉपीराइट, डिस्काउंट का, ये वो, तो वो सब जो भी है वो सब आपको उसमें मिल जाएगा। फॉन्ट के हिसाब से आप स्टाइल चूज कर सकते हो, तो वो सब बहुत हेल्पफुल होता है ये सब में। रूपी साइन डालना है तो आप डाल दिए उसमें से उठा के, तो वो सब सब आ जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये हो गया एक। तो हम लोग का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इतना ही, जितना दिया हुआ इतना ही है, डिटेल में है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का तो यही बेसिक है जो है, अब क्या है, जितना बोल रहे हैं उतना ही समझने लायक चीज है, ठीक है। जो नहीं बोल रहे हैं बुक से पढ़ने लायक चीज है। अच्छा, पहला फीचर लिखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का, परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शंस, परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शंस। दूसरा लिखिए यूजर इंटरफेस, थर्ड होगा हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, थर्ड होगा हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, फोर्थ मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, नेक्स्ट टास्क मैनेजमेंट, लास्ट में लिख दीजिए फाइल मैनेजमेंट। और एक आ जाएगा नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। पहला आ गया हार्डवेयर मैनेजमेंट। अब हार्डवेयर मैनेजमेंट क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सबको मैनेज करता है, ये सब फीचर है फंक्शंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम लोग जब भी बात करेंगे, आप देखो रॉम और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में ये एप्लीकेबल है। हार्डवेयर मैनेजमेंट पहला आता है, माउस, कीबोर्ड, डिवाइसेस, वो भी रिकॉग्नाइज करता है, ये भी रिकॉग्नाइज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पकड़ के चलते, आप कंट्रोल पैनल में जाओ, वहाँ डिवाइसेस एंड प्रिंटर पे क्लिक करो, डिवाइसेस में आपको जितना डिवाइसेस इंस्टॉल्ड है सब मिलेगा, जो जो कनेक्टेड है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, सब दिखाएगा। तो हार्डवेयर मैनेजमेंट हम लोग बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है।
नेक्स्ट आता है हम लोग का यूजर इंटरफेस. जितना इजी यूजर इंटरफेस उतना अच्छा लगेगा कस्टमर को, करेक्ट. मैक क्यों नहीं चलता? मैक का यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है. मैक क्यों नहीं चलता? जस्ट बिकॉज महंगा बहुत है. और लिनक्स क्यों नहीं चलता? क्योंकि उसका यूजर इंटरफेस बहुत उल्टा सीधा है, क्योंकि वो एक प्रोग्रामर, बहुत अच्छा प्रोग्रामर ही उसको समझ पाएगा. अभी जबकि बहुत इंप्रूव हुआ है, लेकिन यूजर इंटरफेस फिर भी लोग मांगता है. विंडोज में एक क्लास 1-2 का बच्चा को भी बैठा दो, वो भी काम करना शुरू कर सकता है. लेकिन लिनक्स और मैक में वो टफ होता है. ठीक है, आप नहीं देखोगे कोई क्लास 1 का बच्चा मैकबुक लेके घूम रहा है, ऐसा नहीं. लेकिन विंडोज में वो लोग ट्राई करता है, सीखता है, फिर मैक में जाता है. तो यूजर इंटरफेस ये हम लोग का हो जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला. और एक इसका हम लोग को दो टाइप भी निकलेगा. एक होता है CUI, ये सब आप लिख लो, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, फुल फॉर्म है ऐसा. CUI हो गया कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस डॉस एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का. डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. लास्ट वर्जन रिलीज्ड बाय IBM वाज डॉस 6 या 6.1, 6 आया था जहां तक है. उसके बाद सब विंडोज 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 इज बेस्ड ऑन डॉस. ठीक है, विंडोज को अगर आप चाहो तो आप उसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में भी यूज कर सकते हो. आप बस डॉस कमांड खोलोगे और उसमें आप जो जो बोलोगे वैसा होगा. डॉस का अपना कमांड्स है. विंडोज क्या करता है, डॉस को बैक में चलाता है, हम लोग को दिखाता नहीं है, लेकिन वो बैक में चल रहा होता है. हम लोग को सब ग्राफिकली दिखाता है, कर्सर है, मूव कर रहे हैं, सब कुछ बैक एंड में काम हो रहा है. ये हो गया यूजर इंटरफेस. नेक्स्ट आएगा हार्डवेयर इंडिपेंडेंस. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्डवेयर इंडिपेंडेंस. पहले का जो सॉफ्टवेयर होता था, ठीक है, पहले का जो सॉफ्टवेयर था, ऑपरेटिंग सिस्टम्स था, सिस्टम सॉफ्टवेयर था, एवरीथिंग वाज मशीन डिपेंडेंट. मशीन डिपेंडेंट क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग का अभी भी मोबाइल फोन में ये चीज है. जैसे हम लोग, आप बोलोगे कि एंड्रॉयड 4.4 है मेरा मोबाइल में, किटकैट, हम अचानक से उसमें 4.2 डाल दिए, या 4.2 का मोबाइल में 4.4 डाल दिया, ऐसा नहीं चलेगा. ठीक है, आप सोनी का मोबाइल में आप सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम डालने जाओगे, प्रॉब्लम्स आएगा. तो ये अभी मोबाइल के लिए उतना ओपन प्लेटफॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन कंप्यूटर्स में ये पूरा टोटली यूनिवर्सल है. ठीक है, जैसे आप एक सॉफ्टवेयर लाओ, आप उसको दूसरा कंप्यूटर में चला दो, चल जाएगा. एक गेम CD है, बोल देता है इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे बेटर रहा आपका कंप्यूटर तो चल जाएगा. तो आप असेंबल्ड कंप्यूटर बना सकते हो, आप ये वो कर सकते हो आप. तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर इंडिपेंडेंस. ऐसा नहीं है कि मॉडल नंबर ए कंप्यूटर के लिए मॉडल नंबर ए का सॉफ्टवेयर लगेगा. तो अब हार्डवेयर इंडिपेंडेंस आ गया है. एक सॉफ्टवेयर है, आप उसको कोई भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे चलाओ जब तक वो सपोर्ट करता है. ठीक है, और अगर वो नहीं चला मतलब वो नहीं चलेगा. ऐसा नहीं है कि आप कम वाला मशीन में चलाने का ट्राई करो, चलेगा, नहीं चलेगा. या तो आपको उसका पुराना वर्जन देखना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मॉडिफाई करके निकालेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. 8.1 निकला है, विंडोज 8 निकला है, इसी सिस्टम में चलेगा. अगर सिस्टम मैच नहीं किया, ऐसा नहीं है कि विंडोज 8 को मॉडिफाई कर देगा. आप बोलेगा आप अपना कंप्यूटर मॉडिफाई करो, सॉफ्टवेयर चल जाएगा. तो हार्डवेयर इंडिपेंडेंस है. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट. सब हार्ड डिस्क है वो मैनेज कर ही रहा है, माई कंप्यूटर में जाओ सब दिखाता है. फाइल मैनेजमेंट, आप फाइल फोल्डर्स क्रिएट करो, फोल्डर डिलीट करो, सब है. और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी है, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी. गूगल क्रोम खोले, नेटवर्किंग हो ही रहा है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में एम्बेडेड है कि नेटवर्किंग करना है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल दो, विंडोज फायरवॉल है, आप फालतू फालतू वेबसाइट से आप माइंड हटाना चाहते हो, आप फायरवॉल टर्न ऑन कर दोगे तो आपको बेकार वेबसाइट या हार्मफुल वेबसाइट से जाने से रोक देगा. फिर नेक्स्ट आता है हम लोग का टास्क मैनेजमेंट. ठीक है, कंप्यूटर हैंग हो गया, कंट्रोल ऑल डिलीट, नाइट्स रनिंग सिंस माइक्रोसॉफ्ट वॉज एस्टेब्लिश. तो कंट्रोल ऑल डिलीट जब हम लोग प्रेस करते हैं तो हम लोग को टास्क मैनेजर मिलता है.
टास्क मैनेजर में जितना भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, जितना प्रोसेस है, जितना रैम यूज हो रहा है, सब कुछ दिखाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टास्क मैनेजमेंट, सब परफॉर्म कर। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हल्का डिटेल्स और ट्राई करेंगे खत्म कर देने का।